आरा रेलवे स्टेशन परिसर के समीप आरपीएफ के जवानों के द्वारा जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी खिलाया गया। निरीक्षक प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल शंभुनाथ राम ने कहा, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आरपीएफ के जवान जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते रहेंगे, क्योंकि स्टेशन परिसर के इर्द गिर्द जो लोग दुकानें थी वो बंद हो चुकी है और लोग रोज कमाने खाने वाले जहां तहां भटक रहे हैं। ऐसे में इन जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना पुण्य का काम है और आरपीएफ अपने सहयोग से आने वाले हर एक व्यक्ति को खाना खिला रहे हैं। जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लोग खुलकर सहयोग करने लगे हैं। इसको लेकर विभिन्न संगठनों और बुद्धिजीवियों ने सहयोग का हाथ बढ़ा दिया है। सभी अपने अपने स्तर से सहयोग करने में जुट गए हैं। कोई गरीब के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण कर रहा है तो कोई मास्क, सैनिटाइजर, फेनाइल आदि का वितरण कर लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दे रहे हैं। जिला प्रशासन और सरकार को भी इस आपदा से निपटने के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं। एक बार कहाँ घर पड़े ला दुकान करने जा कौची के सब्जी के दुकान बंद बा तो रोजी रोटी मतलब खाना के कहाँ मिलेगा ये के दिला के खाना के दिया है आपको कौन सी पाई जी आरपीएफ जी आरपीएफ जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ बेघर लोग, खानाबदोश लोग रहते हैं जो स्टेशन के आसपास छोटे मोटे होटल में, दुकानों में काम करके अपनी जीवन यात्रा करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इनके रोजी रोटी की समस्या हो गई, सारा सब बंद हो गया, इनका कहीं घर द्वार नहीं है, लिहाजा ये भूखे स्टेशन के आसपास मंडराते रहते हैं। तो हमारे आरपीएफ के सभी बल सदस्यों ने यह निश्चय किया कि जब तक यह लॉकडाउन चलेगा हम लोग एक टाइम जो है कुछ कुछ खाना इनको देते रहेंगे ताकि ये भूखे न रहें। और पिछले 24-25 तारीख से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा बल सदस्यों द्वारा इस तरह का कार्यक्रम चलाते हुए सबको जो बेघर लोग हैं उनको खाना रेलवे स्टेशन के आसपास दिया जाता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम निरीक्षक प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल शंभुनाथ राम। आरा